हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके सभी अपकमिंग फार्मासिस्ट फार्मेसी ऑफिसर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बीटा हिस्टिन इज दी बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, H1 सिलेक्टिव हिस्टामिनर्जिक एंटागोनिस्ट, H1 सिलेक्टिव हिस्टामाइन एनालॉग, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। क्या होता है बीटा हिस्टिन? तो बीटा हिस्टिन होता है वीक एगोनिस्ट ऑफ हिस्टामाइन H1 रिसेप्टर। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। H1 सिलेक्टिव हिस्टामाइन एनालॉग इज बीटा हिस्टिन। ये होता है वीक एगोनिस्ट ऑफ हिस्टामाइन H1 रिसेप्टर एंड ए स्ट्रॉन्ग एंटागोनिस्ट ऑफ हिस्टामाइन H3 रिसेप्टर। वीक एगोनिस्ट ऑफ हिस्टामाइन H1 रिसेप्टर एंड स्ट्रॉन्ग एंटागोनिस्ट ऑफ हिस्टामाइन H3 रिसेप्टर। एंड इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ मिनियर्स डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल इओसिनोफिल काउंट इज 1-4%, 7-10%, 2-6%, 0.1%। कितना होता है नॉर्मल इओसिनोफिल काउंट? तो इओसिनोफिल्स होते हैं टाइप ऑफ WBCs। ग्रैनुलर WBC में आते हैं न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ये सभी होते हैं ग्रैनुलोसाइट्स। इनमें न्यूट्रोफिल्स होते हैं 65-70%, देन आते हैं आपके इओसिनोफिल्स, कितने होते हैं 1-4%, देन बेसोफिल्स होते हैं 0.5%। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नॉर्मल इओसिनोफिल काउंट इज 1-4%। WBCs में एक तो होते हैं ग्रैनुलोसाइट्स एंड दूसरे होते हैं अग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स में आते हैं न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड अग्रैनुलोसाइट्स में आते हैं मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन ड्रग इंक्वायरी कमिटी वॉज अपॉइंटेड बाय द वायसराय अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आरके मेनन, MM अली, BK शर्मा, कर्नल RN चोपड़ा। फर्स्ट इंडियन ड्रग इंक्वायरी कमिटी वॉज अपॉइंटेड बाय द वायसराय अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नल RN चोपड़ा। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। कर्नल RN चोपड़ा, कर्नल रामनाथ चोपड़ा। देन हु इज द फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी? तो ये भी है RN चोपड़ा, रामनाथ चोपड़ा, फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी। देन अभी आप मुझे बताएंगे हु इज द फादर ऑफ फार्मेसी, फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया? तो ये है ML श्रॉफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफेलोस्पोरिंस कंटेन डायहाइड्रोथायजिन रिंग, थायजोलिन रिंग, थायजोलिडिन रिंग, थायजोल रिंग। कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है सेफेलोस्पोरिंस में? तो सेफेलोस्पोरिंस होते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स एंड इनमें प्रेजेंट होती है 6 मेंबर डायहाइड्रोथायजिन रिंग। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सेफेलोस्पोरिंस कंटेन्स डायहाइड्रोथायजिन रिंग विद बीटा लैक्टम रिंग। ये थायजोलिडिन रिंग प्रेजेंट होती है पेनिसिलिन्स में, पेनिसिलिन्स में होती है थायजोलिडिन रिंग विद बीटा लैक्टम रिंग। सेफेलोस्पोरिंस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? तो ये होते हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स। देन सेफेलोस्पोरिंस का क्लासिफिकेशन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जल्दी से एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लो। फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिंस, सेफाजोलिन, सेफालोथिन, सेफाड्रोक्सिल, सेफालैक्सिन। सेकेंड जनरेशन सेफाक्लोर, सेफ्यूरोक्सिम। थर्ड जनरेशन सेफिक्साइम, सेफोटैक्सिम, सेफ्ट्रियाक्सोन, सेपोडॉक्सिम, सेपेराजोन, सेप्टीब्यूटेन। फोर्थ जनरेशन सेफिपाइम, सेपिरोम। देन फिफ्थ जनरेशन सेप्टारोलिन। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थायजोल रिंग किस पे प्रेजेंट होती है? तो विटामिन B1 थायमिन में प्रेजेंट होती है थायजोल रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलाजिन यूज एज वैसोडायलेटर इज केमिकली पाइरिडिन डेरिवेटिव, इमिडाजोलिडिन डेरिवेटिव, थैलेजिन डेरिवेटिव, फिनाइल एलेनिन डेरिवेटिव। क्या होता है केमिकली हाइड्रोलाजिन? तो हाइड्रोलाजिन होता है डायरेक्ट वैसोडायलेटर, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होता है हाइड्रोलाजिन एंड ये होता है थैलेजिन डेरिवेटिव। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हाइड्रोलाजिन देन एजेलास्टिन, ये होते हैं थैलेजिन डेरिवेटिव्स। अभी आप मुझे बताएंगे पाइरिडिन डेरिवेटिव्स। तो पाइरिडिन डेरिवेटिव्स होते हैं आइसोनियाजाइड, INH, जो फर्स्ट लाइन एंटीडीबी ड्रग होता है वो होता है पाइरिडिन डेरिवेटिव। देन निकोटिनामाइड, निकेतामाइड, ये सभी होते हैं पाइरिडिन डेरिवेटिव्स। निकेतामाइड होता है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम स्टीरेट इज यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट एज बाइंडर, डाइल्यूएंट, डिसइंटीग्रेंट, ग्लाइडेंट। क्या होता है मैग्नीशियम स्टीरेट?
तो ये होता है ग्लाइडेंट, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। मैग्नीशियम स्टीरेट, डेंटल, कोलाइडल सिलिका, ये सभी होते हैं ग्लाइडेंट्स एंड इन्हें यूज करते हैं टू इम्प्रूव फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रैनुल्स। बाइंडर जिलेटिन, ट्रगाकांत, अकेशिया, देन पीवीपी, ये होते हैं बाइंडर्स। देन नेचुरल प्रोटीन यूज एज ए बाइंडर इज, तो ये होता है जिलेटिन। डिसइंटीग्रेंट स्टार्च, एमसीसी, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज। देन कॉमनली यूज डाइल्युएंट, तो कॉमनली यूज डाइल्युएंट होता है लैक्टोज। बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स आर डाइल्युएंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ड्रग विच कॉजेस जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल रिएक्टिविटी, इडियोसिंक्रेसी। ट्राइफ्लुप्रोमाइसिन, बारबिट्यूरेट्स, एट्रोपिन, लिथियम, इनमें से कौन कॉज कराता है जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल रिएक्टिविटी, इडियोसिंक्रेसी। तो ये इडियोसिंक्रेसी होती है अनएक्सपेक्टेड ड्रग रिस्पॉन्सेस विच कैनॉट बी प्रेडिक्टेड। इन्हें प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, ये अनप्रेडिक्टेबल होती है, लेस कॉमन होती है, देन मोर सीरियस होती है एंड ये आती है टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शंस में। एंड इनमें से कौन सा ड्रग कॉज कराता है इडियोसिंक्रेसी, तो बारबिट्यूरेट्स कॉज कराते हैं इडियोसिंक्रेसी। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन लॉन्ग एक्टिंग बारबिट्यूरेट कौन सा होता है, फिनोबारबिटोन। इंटरमीडिएट एक्टिंग एमोबारबिटल। शॉर्ट एक्टिंग कौन सा होता है, पेंटोबारबिटल, सेकोबारबिटल। देन अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग थियोपेंटल, मिथोएक्सिटल। बारबिट्यूरेट्स के क्लासिफिकेशन पे भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, देन इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बायपोलर डिसऑर्डर्स, इनमें से किसका यूज करते हैं इन बायपोलर डिसऑर्डर्स, तो ये होता है लिथियम। देन साइकोट्रॉपिक ड्रग हैविंग ए नैरो सेफ्टी मार्जिन, तो लिथियम। देन प्रोलॉन्ग थेरेपी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस गॉइटर, तो ये भी होता है लिथियम। प्रोलॉन्ग लिथियम थेरेपी कैन कॉज गॉइटर, ये लिथियम हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज कराता है बाय इनहिबिटिंग थायरॉयड हार्मोन रिलीज। ठीक है, ये कॉज कराता है गॉइटर। देन एट्रोपिन के बारे में तो हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के नेचुरल अल्कलॉइड क्लास में आता है एट्रोपिन। एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन इज एट्रोपिन। ड्रग यूज टू ट्रीट एवी ब्लॉक, एट्रोपिन। ड्रग विच इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन रेज इंट्राओक्युलर टेंशन एंड एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, एट्रोपिन। ड्रग विच इज इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ मशरूम पॉइजनिंग, एट्रोपिन। देन ईस्टर ऑफ ट्रोपिन एंड ट्रॉपिक एसिड इज एट्रोपिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीडोट फॉर साइनाइड पॉइजनिंग इज सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्राइट। एंटीडोट फॉर साइनाइड पॉइजनिंग, तो साइनाइड पॉइजनिंग में यूज करते हैं सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थियोसल्फेट का एज एन एंटीडोट। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थियोसल्फेट होते हैं एंटीडोट्स फॉर साइनाइड पॉइजनिंग। सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर होता है, देन नॉर्मल सलाइन कंटेंट्स 0.9% सोडियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट ग्लॉबर्स सॉल्ट। देन सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, कॉमन नेम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज वॉशिंग सोडा एंड इट इज यूज्ड एज फार्मास्यूटिकल एड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्क्रीन ट्रेस यूज्ड इन मोस्ट फार्मास्यूटिकल ड्राइंग ऑपरेशंस आर लाइंड विद एल्यूमिनियम, पेपर, एयर, कन्वेयर। स्क्रीन ट्रेस यूज्ड इन मोस्ट फार्मास्यूटिकल ड्राइंग ऑपरेशंस आर लाइंड विद, तो ये होता है पेपर। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्यूरोसेमाइड एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, सोडियम क्लोराइड सिंपोर्टर, सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्टर, सोडियम पोटेशियम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेटेज। फ्यूरोसेमाइड एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग, तो ये फ्यूरोसेमाइड होता है लूप डायूरेटिक, ओटोटॉक्सिसिटी, डिफनेस कॉज कराता है। देन फ्यूरोसेमाइड एक्ट्स ऑन लूप ऑफ हेनले, एसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करते हैं लूप डायूरेटिक्स जिसमें आता है फ्यूरोसेमाइड। एंड फ्यूरोसेमाइड एक्ट बाय इनहिबिटिंग सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फ्यूरोसेमाइड एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज द जेनरिक नेम ऑफ द ड्रग दैट इज कमर्शियली अवेलेबल एज लार्जेक्टिल, प्रोमिथाजिन, लोसार्टन, क्लोरप्रोमाजिन, क्लोरथालिडोन। इनमें से कौन सा है लार्जेक्टिल का जेनरिक नेम, तो लार्जेक्टिल कंटेंस क्लोरप्रोमाजिन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लोरप्रोमाजिन इज द जेनरिक नेम ऑफ लार्जेक्टिल। फर्स्ट ट्रांक्विलाइजर ऑफ फिनोथाइजिन ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स इज क्लोरप्रोमाजिन। देन क्लोरप्रोमाजिन थेरेपी इंक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन। देन क्लोरप्रोमाजिन कॉज कराता है मसल डिस्टोनिया इन चिल्ड्रन।
देन क्लोरप्रोमाजिन इंड्यूसेस पार्किंसोनियन सिंड्रोम। देन अभी आप मुझे बताएंगे द ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट विच इज एन एनालॉग ऑफ क्लोरप्रोमाजिन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कौन सा ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होता है एन एनालॉग ऑफ क्लोरप्रोमाजिन? तो ये होता है इमिप्रामाइन, एंड क्लोरप्रोमाजिन का ब्रांड नेम होता है लार्जेक्टिल। देन प्रोमिथाजिन का ब्रांड नेम होता है फिनार्गन। ये प्रोमिथाजिन होता है फिनोथाइजिन डेरिवेटिव। ये होता है फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक। ये एंटी इमिटिक होता है, एंटी साइकोटिक होता है, एंटी हिस्टामिनिक होता है, ठीक है। लोसार्टन एआरबी इनिबिटर, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर होता है लोसार्टन। ये होता है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। क्लोरथैलिडोन थायजाइड डायुरेटिक, क्या होता है प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन ऑफ थायजाइड डायुरेटिक्स? तो थायजाइड डायुरेटिक्स का प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन होता है कॉर्टिकल डायलूटिंग सेगमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60% ऑफ द सेमिनल फ्लूइड इज फ्रॉम व्हाट डिफरेंस? इपिडिडाइमिस, सेमिनल वेसिकल, टेस्टिस। 60% ऑफ द सेमिनल फ्लूइड इज फ्रॉम, तो ये होता है सेमिनल वेसिकल। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सेमिनल वेसिकल प्रोड्यूस एंड स्टोर फ्लूइड्स विच टर्न्स इनटू सीमन, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पर्म डक्ट? इनमें से कौन सा है स्पर्म डक्ट? तो ये होता है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पर्म डक्ट। एंड ये होती है थिक वॉल ट्यूब विच कैरीज स्पर्म्स फ्रॉम द इपिडिडाइमिस टू द यूरिथ्रा। वास डिफरेंस कैरी करती है स्पर्म्स फ्रॉम द इपिडिडाइमिस टू यूरिथ्रा। देन अभी आप मुझे बताएंगे मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म्स अकर्स इन, कहाँ पे होता है मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म्स? तो ये होता है इपिडिडाइमिस में। देन मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस। टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय लेडिक्स सेल्स इन टेस्टिस। देन प्रोलॉन्ग टेस्टोस्टेरोन थेरेपी कैन कॉज एट्रोपी ऑफ इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस। प्रोलॉन्ग टेस्टोस्टेरोन थेरेपी कॉज कराती है एट्रोपी ऑफ इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द टेस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट पेशेंट क्लिनिक सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन ए हॉस्पिटल बाय हाउसकीपिंग सर्विसेज, क्लिनिकल सर्विसेज, एम्बुलेटरी सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। आउट पेशेंट क्लिनिक सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन ए हॉस्पिटल बाय, तो ये हो जाएगा एम्बुलेटरी सर्विसेज। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज, कितना होता है नॉर्मल GFR? मोस्ट रिपीटेडली आस्क क्वेश्चन है ये नॉर्मल GFR, तो ये होता है 125 ml पर मिनट। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इन हेल्दी एडल्ट नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है 125 ml पर मिनट। एंड GFR ऑफ ए ड्रग इज अफेक्टेड बाय इट्स प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। GFR ऑफ ए ड्रग इज अफेक्टेड बाय इट्स प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। एंड क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज यूज्ड टू एस्टिमेट GFR, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑटोमन क्रोकस इज, क्यूनोलिन एल्कलॉइड, बेंजाइल टेट्राहाइड्रो आइसोक्यूनोलिन, इमिडाजोल एल्कलॉइड, इंडोल एल्कलॉइड। द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑटोमन क्रोकस, तो ये ऑटोमन क्रोकस होता है कोल्चिकम। कोल्चिकम का सिनोनिम होता है ऑटोमन क्रोकस, इसे मीडोसेफ्रॉन भी बोला जाता है। ऑटोमन क्रोकस, मीडोसेफ्रॉन, ये होता है कोल्चिकम। एंड कोल्चिकम आता है अमाइनो एल्कलॉइड्स में, इसकी फैमिली होती है लिलियासी। एंड प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑटोमन क्रोकस इज बेंजाइल टेट्राहाइड्रो आइसोक्यूनोलिन एल्कलॉइड। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। बेंजाइल टेट्राहाइड्रो आइसोक्यूनोलिन एल्कलॉइड होता है प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑटोमन क्रोकस। देन क्यूनोलिन एल्कलॉइड्स में आता है सिंकोना। इमिडाजोल एल्कलॉइड्स में आता है पिलोकार्पिन। इंडोल एल्कलॉइड्स, विनका, रोल्फिया, देन फाइसोस्टिग्मा, अर्गॉट, नक्स वोमिका, ये होते हैं इंडोल एल्कलॉइड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैथोफिजियोलॉजी मीन्स डेवलपमेंट ऑफ डिसीज, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग डिसीज कंडीशन, स्ट्रक्चरल चेंजेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग डिसीज, स्टडी ऑफ डिसीज। क्या होता है पैथोफिजियोलॉजी? तो ये होता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग डिसीज कंडीशन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अभी आप मुझे बताएंगे डेवलपमेंट ऑफ डिसीज क्या होता है? तो इसे बोलते हैं पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस इज डेवलपमेंट ऑफ डिसीज। स्टडी ऑफ डिसीज, तो स्टडी ऑफ डिसीज इज पैथोलॉजी। स्टडी ऑफ डिसीज, देन स्ट्रक्चरल चेंजेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग डिसीज, ये आता है पैथोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर थायरॉयड हॉर्मोन सिंथेसिस? आयरन, आयोडीन, सिलेनियम, जिंक।
इनमें से कौन सा मिनरल रिक्वायर्ड होता है फॉर थायराइड हार्मोन सिंथेसिस? तो ये होता है आयोडीन, ऑप्शन बी। ये थायराइड हार्मोन सिंथेसाइज होता है बाय थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड लोकेटेड होती है इन द नेक। एच शेप्ड ग्लैंड, बटरफ्लाई ग्लैंड लोकेटेड इन द नेक इज थायराइड ग्लैंड। एंड ये सिक्रेट करती है थायरोक्सिन, जो होता है T4, ट्राइआयोडोथायरोनिन T3 एंड कैल्सिटोनिन। ये T4 थायरोक्सिन हेल्प्स इन डाइजेशन, देन ब्रेन डेवलपमेंट, मसल डेवलपमेंट। एंड T3 ट्राइआयोडोथायरोनिन हेल्प्स इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर एंड हार्ट रेट। ठीक है, देन अभी आप मुझे बताएंगे विच मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ द हार्मोन इंसुलिन। इंसुलिन के क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टोरेज के लिए कौन सा मिनरल रिक्वायर्ड होता है? तो ये होता है जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम फॉर एकोनाइट इज जैबोरैंडी, क्रोफिक, सर्पगंधा, मॉन्गशूड। तो एकोनाइट का सिनोनिम होता है मॉन्गशूड, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। मॉन्गशूड, डेविल्स हेलमेट, क्वीन ऑफ पॉइजन, वुल्फ्स बेन, देन लियोपर्ड्स बेन, ये सभी होते हैं सिनोनिम्स ऑफ एकोनाइट। ये एकोनाइट आता है डायटर्पिन एल्कलॉइड्स में। फैमिली क्या होती है? फैमिली ऑफ एकोनाइट रेनुनकुलासी। यूज क्या होता है? तो इसे यूज करते हैं इन रूमेटिज्म। ठीक है, जैबोरैंडी क्या होता है? पिलोकार्पिन, फैमिली रूटेसी। एंड इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। सर्पगंधा, रोल्फिया का सिनोनिम होता है सर्पगंधा, रोल्फिया की फैमिली होती है अपोसायनेसी। क्रोफिक सीड्स, सिनोनिम ऑफ नक्स वोमिका, फैमिली होती है लोगेनेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 troy ounce कंटेंस डैश ग्रेन्स। कितने ग्रेन्स होते हैं 1 troy ounce में? तो ट्रॉय सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज अपोथेकरीज सिस्टम। ट्रॉय सिस्टम होता है अपोथेकरीज सिस्टम। एंड स्टैंडर्ड वेट इन दिस सिस्टम इज ग्रेन। एंड इसमें 1 ounce होता है 480 grains। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इन ट्रॉय सिस्टम 1 ounce इज 480 grains। देन 20 grains होते हैं 1 scruple, 60 grains 1 drachm, देन 1 pound 12 ounce। ठीक है, ट्रॉय सिस्टम में 1 ounce होता है 480 grains। एंड अभी आप मुझे बताएंगे मैट्रिक्स सिस्टम में 1 grain कितना होता है? तो मैट्रिक्स सिस्टम में 1 grain होता है 65 mg, 1 fluid ounce 30 ml। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस सिंड्रोम इज रिलेटेड टू हेपेरिन, थियोफाइलिन, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, फिनिटोइन। इनमें से कौन कॉज कराता है रेस सिंड्रोम? तो जब जब हमने एस्पिरिन के बारे में बोला है, हमने रेस सिंड्रोम के बारे में बोला है। रेस सिंड्रोम कॉज कराता है एस्पिरिन, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज एस्पिरिन, एंड ये कॉज कराता है रेस सिंड्रोम। चिल्ड्रन में ब्रेन एंड लीवर प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं करता है रेस सिंड्रोम में। एंड अभी आप मुझे बताएंगे द ड्रग विच इज इंडिकेटेड फॉर पेशेंट्स एट द रिस्क ऑफ रेस सिंड्रोम। रेस सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय एस्पिरिन, तो कौन सा ड्रग यूज करते हैं फॉर द पेशेंट एट द रिस्क ऑफ रेस सिंड्रोम? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये होता है एसिटामिनोफेन। ठीक है, देन एस्पिरिन का लॉन्ग टर्म यूज कॉज कराता है रिंगिंग इन द ईयर एंड ब्लर्ड विजन। देन पॉइजनिंग अकरिंग ड्यू टू ओवर डोज ऑफ एस्पिरिन। सैलिसिलिज्म, ड्रग विच इनिबिट साइक्लो ऑक्सीजनस इरिवर्सिबली, एस्पिरिन। देन एस्पिरिन 50 to 150 mg डोज इज यूज फॉर प्रिवेंटिंग क्लॉटिंग इन ब्लड। स्मॉल डोज में एस्पिरिन एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कराता है। एस्पिरिन 50 to 150 mg डोज इज यूज फॉर प्रिवेंटिंग क्लॉटिंग इन ब्लड। देन अभी आप मुझे बताएंगे एस्पिरिन डिक्रीजेस इफेक्टिवनेस ऑफ विच विटामिन। कौन से विटामिन के इफेक्टिवनेस को डिक्रीज कराता है एस्पिरिन? तो ये होता है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। कैसे कराता है? तो बाय इंक्रीजिंग इट्स एक्सक्रीशन। बाय इंक्रीजिंग एक्सक्रीशन ऑफ विटामिन सी, एस्पिरिन डिक्रीजेस इफेक्टिवनेस ऑफ विटामिन सी। ठीक है, हेपेरिन पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट होता है, रैपिडली एक्टिंग एंटीकोएगुलेंट होता है हेपेरिन। हेपेरिन एंटागोनिस्ट प्रोटामाइन सल्फेट। देन केमिकली हेपेरिन इज ए, तो केमिकली हेपेरिन होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ये होता है हेटेरोपॉलीसैकेराइड। देन कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ हेपेरिन इज, तो ये कॉज कराता है हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हेपेरिन, तो हेपेरिन प्रिवेंट्स ब्लड कोएगुलेशन बाय इनिबिटिंग थ्रोम्बिन कैटेलाइज कन्वर्शन ऑफ फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच एंटी एस्थेमेटिक ड्रग कैन कॉज कन्वल्शंस एंड अरिथमिया। कौन सा एंटी एस्थेमेटिक ड्रग कॉज कराता है कन्वल्शंस एंड अरिथमिया? तो ये होता है थियोफाइलिन।
एंड थियोफाइलिन प्रिपरेशन सिर्फ ओरल एंड पैरेंटरल यूज के लिए होते हैं। द एंटी अस्थमा ड्रग विच कैनॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन इज थियोफाइलिन। थियोफाइलिन प्रिपरेशंस आर ओनली फॉर ओरल एंड पैरेंटरल यूज। देन विच एंटीबायोटिक इज अवॉइडेड विथ थियोफाइलिन? तो ये होता है एरिथ्रोमाइसिन। बिकॉज एरिथ्रोमाइसिन होता है एंजाइम इनिबिटर, हेंस इट विल इंक्रीज द प्लाज्मा लेवल ऑफ थियोफाइलिन लीडिंग टू इट्स टॉक्सिसिटी। इसलिए एरिथ्रोमाइसिन इज अवॉइडेड विथ थियोफाइलिन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रग ऑफ चॉइस इन ग्रैंड मल एपिलेप्सी? तो ये होता है फिनिटोइन। फिनिटोइन होता है 5-5-डाइफिनाइल हेडेंटोइन। ये एंजाइम इंड्यूसर होता है एंड इट कैन डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट ऑफ फिनिटोइन। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये होता है जिंजिवल हाइपरप्लासिया। देन विच ड्रग इज यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक इन पेनफुल न्यूरालजियाज एंड न्यूरोपैथिक पेन? तो ये भी होता है फिनिटोइन। देन ये फिनिटोइन कॉज कराता है हाइपरग्लाइसेमिया। ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कराता है फिनिटोइन बाय डिक्रीजिंग इंसुलिन रिलीज। ये कॉज कराता है हाइपरग्लाइसेमिया, ठीक है। देन क्या आप में से कोई बता सकता है विच ड्रग कैन कॉज रिकेट्स इन चिल्ड्रेन बाय इंटरफेयरिंग विथ विटामिन डी एक्शन? कौन सा ड्रग कॉज कराता है रिकेट्स इन चिल्ड्रेन बाय इंटरफेयरिंग विथ विटामिन डी एक्शन? तो ये भी होता है फिनिटोइन। बिकॉज ये फिनिटोइन रिड्यूस कराता है सेंसिटिविटी ऑफ टारगेट टिश्यूज टू विटामिन डी, इसलिए ये कॉज कराता है रिकेट्स इन चिल्ड्रेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा आयोनॉन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट डैश प्रेजेंट इन लेमन ग्रास ऑयल, कार्वाक्रॉल, सिट्राल, लिनालूल, जेरानियोल। बीटा आयोनॉन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट डैश प्रेजेंट इन लेमन ग्रास ऑयल। कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है लेमन ग्रास ऑयल में जिसे प्रिपेयर किया जाता है बीटा आयोनॉन? तो लेमन ग्रास ऑयल का चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सिट्राल। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अभी आप मुझे बताएंगे लेमन ग्रास ऑयल की फैमिली। तो ये होती है ग्रामिनी। यूज, तो ये होता है फ्लेवरिंग एजेंट। देन किसमें प्रेजेंट होता है डी लिनालूल? तो डी लिनालूल इज द चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोरिएंडर। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। डी लिनालूल इज ए चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोरिएंडर। कोरिएंडर का बायोलॉजिकल सोर्स कोरिएंड्रम सटाइवम, फैमिली अम्बेलीफेरी। यूज, एरोमेटिक होता है, कार्मिनेटिव होता है एंड फ्लेवरिंग एजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 9 अमाइनो एसिड्स, मिथाइल अर्गोमेट्रिन, अर्गॉट, अर्गोमेट्रिन, ऑक्सीटोसिन। इनमें से कौन सा है पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 9 अमाइनो एसिड्स? तो ये हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। ऑक्सीटोसिन होता है पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 9 अमाइनो एसिड्स। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये ऑक्सीटोसिन सिक्रेट होता है फ्रॉम पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ये इसेंशियल होता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। ये यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन कॉज कराता है, देन लेबर में हेल्प करता है। इट कॉजेस ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। ये यूटेरिन स्टिमुलेंट होता है एंड ये होता है नोनापेप्टाइड। ए पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 9 अमीनो एसिड इज ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स एक्सेप्ट पॉलीमर, स्टेरॉइड्स, लिपोप्रोटीन्स, फैटी एसिड। गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स एक्सेप्ट, तो ये हो जाएगा पॉलीमर। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश ऑफ द हार्ट लोकेटेड इन द मायोकार्डियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग रेट एंड रिदम ऑफ द हार्ट, रिलैक्सेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कंडक्शन सिस्टम, कॉन्ट्रैक्शन सिस्टम। द डैश ऑफ द हार्ट लोकेटेड इन द मायोकार्डियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग रेट एंड रिदम ऑफ द हार्ट, तो ये होता है कंडक्शन सिस्टम। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए सुटेबल इंडिकेटर फॉर द टाइट्रेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक अल्कली, फिनोप्थैलिन, यूनिवर्सल इंडिकेटर, क्रिस्टल वायलेट, मिथाइल ऑरेंज। इनमें से कौन सा होता है सुटेबल इंडिकेटर फॉर द टाइट्रेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक अल्कली? तो ये होता है मिथाइल ऑरेंज। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए मेथड यूज्ड इन द लेबोरेटरी टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन अननोन सॉल्यूशन। इनमें से कौन सी मेथड का यूज करते हैं टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन अननोन सॉल्यूशन? टाइट्रेशन, डिसॉल्यूशन, एंगल ऑफ रिपोज, डिसइंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा टाइट्रेशन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एन इसेंशियल एक्टिविटी इन एवरी स्फीयर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेनिंग। इनमें से कौन सी होती है इसेंशियल एक्टिविटी इन एवरी स्फीयर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी?
तो ये होता है मैनेजमेंट, ऑप्शन ए मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोबियल पैथोजेनोसिस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डैश द अदर सेल्स, इनहिबिट, एक्टिवेट, सप्रेस, इन्फेक्ट। तो क्या होता है माइक्रोबियल पैथोजेनेसिस? तो ये होता है एबिलिटी टू इन्फेक्ट द अदर सेल्स, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, द एबिलिटी टू इन्फेक्ट द अदर सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया कॉज ड्यू टू द बोन मैरो डैमेज, पर्निशियस एनीमिया, अप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया। कौन सा एनीमिया होता है ड्यू टू बोन मैरो डैमेज? तो ये होता है अप्लास्टिक एनीमिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ परकोलिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम ऑक्सैलेट। प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ परकोलिक एसिड, तो ये होता है पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ परकोलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी वर्ड मोनोमेरिक एंजाइम इज यूज इफ एंजाइम मेड बाय डैश, वन अमाइनो एसिड, मेनी अमाइनो एसिड्स, वन पॉलीपेप्टाइड चेन, मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स। दी वर्ड मोनोमेरिक एंजाइम इज यूज इफ एंजाइम मेड बाय, तो ये होता है वन पॉलीपेप्टाइड चेन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मोनोमेरिक एंजाइम होता है एंजाइम मेड बाय वन पॉलीपेप्टाइड चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया प्रोडक्शन अकर्स ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन डैश, किडनी, ब्रेन, लंग्स और लीवर। तो यूरिया प्रोडक्शन अकर्स ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन लीवर, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम यूरिया इज 20 to 65 mg/dL, सीरम यूरिया की नॉर्मल रेंज होती है 20 to 65 mg/dL। देन ड्रग्स आर ऑल्सो मेटाबोलाइज बाय द लीवर, देन द प्राइमरी साइट ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन इन ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो लीवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम हेक्सोकाइनेज बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ ट्रांसफरेजेस, ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, हाइड्रोलाइसेस, लिगेजेस। तो कौन से क्लास में आता है एंजाइम हेक्सोकाइनेज? तो ये होता है ट्रांसफरेजेस क्लास में, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म फार्माकोग्नोसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय एस बालन, जे एंथनी, ए जस्टिन, जे ए स्मिट। द टर्म फार्माकोग्नोसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो फार्माकोग्नोसी टर्म वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय जे ए स्मिट, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। द टर्म फार्माकोग्नोसी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय जे ए स्मिथ इन 1811। एंड फिर एस ए सीडलर कौन है? तो एस ए सीडलर यूज द वर्ड फार्माकोग्नोसी फर्स्ट टाइम इन हिज बुक एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका इन 1815। देन अभी आप मुझे बताएंगे फादर ऑफ इंडियन फार्माकोग्नोसी, तो फादर ऑफ इंडियन फार्माकोग्नोसी इज आर एन चोपड़ा, रामनाथ चोपड़ा। देन द वर्ड फार्माकोग्नोसी डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकोन एंड ग्नोसिस, जिसमें फार्माकोन का मीनिंग होता है ड्रग एंड ग्नोनिस होता है नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेप इन ड्रग डिस्कवरी इज लीड ऑप्टिमाइजेशन, लीड आइडेंटिफिकेशन, लीड वैलिडेशन, लीड मॉडिफिकेशन। द फर्स्ट स्टेप इन ड्रग डिस्कवरी, तो ये होता है लीड आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन बी लीड आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिफिक रिसर्च इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ रिव्यू आर्टिकल, ड्रग इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक्स, डेटाबेस। साइंटिफिक रिसर्च इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ, तो किसका प्राइमरी सोर्स होता है साइंटिफिक रिसर्च? तो ये हो जाएगा ड्रग इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन बी ड्रग इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिडल मैन आर द पर्सन हु प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन द कस्टमर्स एंड ओनर, मैन्युफैक्चरर एंड ओनर, मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर, वर्कर्स एंड ओनर। तो मिडल मैन होता है लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन, लुगॉल्स सॉल्यूशन, पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन, वीक आयोडीन सॉल्यूशन। क्या होता है एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन? तो ये होता है लुगॉल्स सॉल्यूशन, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, लुगॉल्स सॉल्यूशन होता है एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ डेरिवेटिव ऑफ इमिडाजोल, डायलोक्साइडिन, मेट्रोनिडाजोल, इमेटिन, क्लियोक्विनॉल। इनमें से कौन सा होता है इमिडाजोल डेरिवेटिव? तो इमिडाजोल डेरिवेटिव होता है मेट्रोनिडाजोल, ऑप्शन बी मेट्रोनिडाजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रीकर्सर ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, लैक्टेट, ग्लिसरॉल, एलेनिन, एसिटिक एसिड।
इनमें से कौन सा प्रीकर्सर ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं है, नॉट ए प्रीकर्सर ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस? तो ये होता है एसेटिक एसिड, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द पाउडर ऑफ द इंडोस्पर्म ऑफ द सीड ऑफ द साइनोप्सिस टेट्रागोनोलोबस। स्टर्कुलिया गम, जिलेटिन, अकेशिया सेनेगल, ग्वार गम। पाउडर ऑफ द इंडोस्पर्म ऑफ द सीड ऑफ साइनोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, तो ये हो जाएगा ग्वार गम, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिलेशन टू एनी अदर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स एन इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 24, सेक्शन 22, सेक्शन 21, सेक्शन 10। एन इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन, तो इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 21, ऑप्शन सी सेक्शन 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, इंक्रीज प्रोडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन, टेस्टिंग, एडेक्वेट सप्लाई। क्या होता है एम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? तो ये होता है क्वालिटी कंट्रोल, इंक्रीज प्रोडक्शन एंड कॉस्ट रिडक्शन, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। द एम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज क्वालिटी कंट्रोल, इंक्रीज प्रोडक्शन एंड कॉस्ट रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिवेशन ऑफ बिलीरुबिन लेवल इन ब्लड लीड टू अल्जाइमर्स, डायबिटीज, कैंसर, जॉन्डिस। क्या होता है ड्यू टू एलिवेशन इन बिलीरुबिन लेवल इन द ब्लड? तो एलिवेशन इन बिलीरुबिन लेवल इन ब्लड लीड टू जॉन्डिस, ऑप्शन डी जॉन्डिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी एस एस आर करस्पॉन्ड्स टू सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई रूम, सेंट्रल स्टेराइल स्टोर रूम, सेंट्रल स्टेराइल सर्जिकल रूम, सेंट्रल स्टेराइल स्टेशनरी रूम। क्या होता है सी एस एस आर? तो ये होता है सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई रूम, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट, डाइथाइल ईथर, हैलोथेन, थियोपेंटन, साइक्लोप्रोपेन। इनमें से कौन सा है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट? तो ये होता है थियोपेंटन, ऑप्शन सी थियोपेंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज यूज एज डिमल्सेंट, पेपरमिंट ऑयल, गॉर्गम, लेमन ग्रास ऑयल, अकेशिया। इनमें से क्या होता है डिमल्सेंट? तो डिमल्सेंट होता है अकेशिया, ऑप्शन डी अकेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स, लोकल एनास्थेटिक, एंटीबायोटिक्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्टेब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ डैश सेपरेट मूवेबल इरेगुलर बोन्स 15, 10, 20 और 24। कितने सेपरेट मूवेबल इरेगुलर बोन्स होते हैं वर्टेब्रल कॉलम में? तो इसमें होते 24 सेपरेट मूवेबल इरेगुलर बोन्स, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द आइडेंटिकल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड इट इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रो आइसोमर, सीस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर, लिवो आइसोमर। इफ द आइडेंटिकल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड इट इज कॉल्ड एज, तो ये होता है सीस आइसोमर, ऑप्शन बी सीस आइसोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलेट डेफिशिएंसी कैन लीड टू मेगालोब्लास्टिक एनेमिया, ऑस्टियोमलेशिया, हाइपोथायरॉयडिज्म, ऑस्टियोपोरोसिस। क्या होता है ड्यू टू फॉलेट डेफिशिएंसी? तो फॉलेट डेफिशिएंसी कैन लीड टू मेगालोब्लास्टिक एनेमिया, ऑप्शन ए मेगालोब्लास्टिक एनेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर प्रोवाइडेड फॉर द एनालिसिस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लेबोरेटरी, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, कंट्रोल लेबोरेटरी, एनालिटिकल लेबोरेटरी। इनमें से कौन सी लेबोरेटरी होती है फॉर द एनालिसिस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स? तो ये होती है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्टम्स ऑफ ट्रैकोमा, फीवर, ऑनवर्ड डेविएशन ऑफ आई लैशेज एंड लीड मार्जिन, लार्ज ब्यूबोज डेवलप इन ग्रोइन, हेडेक। क्या होते हैं सिम्टम्स ऑफ ट्रैकोमा? तो ये हो जाएगा ऑनवर्ड डेविएशन ऑफ आई लैशेज एंड लीड मार्जिन, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रिटिश रजिस्टर ऑफ एडवर्स रिएक्शंस वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1964, 1972, 1975, 1961। द ब्रिटिश रजिस्टर ऑफ एडवर्स रिएक्शंस, तो ये एस्टेब्लिश हुआ था इन 1964, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज यूज इन कफ मिक्सचर एज एंटी इमिटिक पेनिसिलामाइन, ओंडेंसेट्रॉन, क्लोरिनेटेड लाइम, एम्फेटामाइन। किसका यूज करते हैं इन कफ सिरप एज एंटी इमिटिक? तो ये होता है ओंडेंसेट्रॉन, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डैश इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिंस। गैलन, एरिस्टोटले, डाइस्कोराइड्स, हिपोक्रेट्स, इनमें से कौन है फादर ऑफ मेडिसिंस? तो ये होता है हिपोक्रेट्स। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हिपोक्रेट्स इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारकोल में बी गिवन इन केस ऑफ पॉइजनिंग, गैस्ट्राइटिस, अपेंडिसाइटिस, लीवर प्रॉब्लम। तो किस में यूज करते हैं चारकोल का? तो इसे यूज करते हैं इन पॉइजनिंग। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल काउंसिल शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ डैश ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ नॉमिनेशन ऑफ इलेक्शन, 5, 4, 3 or 2। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल काउंसिल शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ डैश ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ नॉमिनेशन ऑफ इलेक्शन। तो ये होता है 5 years। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ मूवमेंट और पैसेज ऑफ ड्रग अक्रॉस द बॉडी इज फार्माकोथेरापिटिक्स, फार्माकोविजिलेंस, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक्स। क्या होती है स्टडी ऑफ मूवमेंट और पैसेज ऑफ ड्रग अक्रॉस द बॉडी? तो ये होता है फार्माकोकाइनेटिक। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल मैकेनिज्म इज दैट एन एंजाइम एक्ट्स बाय डैश इंक्रीजिंग द पीएच वैल्यू, इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, डिक्रीजिंग पीएच वैल्यू, रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्या होता है एंजाइम? एंजाइम एक्ट्स बाय, तो एंजाइम एक्ट्स बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डेफिशिएंसी लीड्स टू हेमोलाइटिक एनीमिया? ग्लाइकोजन रिडक्टेज, हेक्सोकाइनेज, ग्लाइकोजन सिंथेज, पाइरूवेट काइनेज। इनमें से कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी कॉज कराती है हीमोलाइटिक एनीमिया? तो ये कॉज कराती है पाइरूवेट काइनेज डेफिशिएंसी। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कंटेन फिनांथ्रीन न्यूक्लियस, इफेड्रिन, मॉर्फिन, विनक्रिस्टिन, रिसर्पिन। इनमें से किसमें होता है फिनांथ्रीन न्यूक्लियस? तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, मॉर्फिन कंटेन फिनांथ्रीन न्यूक्लियस। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एक्यूट हार्ट फेलियर, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, सिस्टेमिक आर्टेरियल हाइपरटेंशन, क्रोनिक लंग डिसीजेस, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। क्या होता है एक्यूट हार्ट फेलियर? तो ये होता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिपिड? इनमें से कौन सा लिपिड नहीं है? वैक्सेस, फैट्स, ऑयल्स और प्रोटीन्स। तो प्रोटीन इज नॉट ए लिपिड। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बाकी वैक्सेस, फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं लिपिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ ब्लड ग्रुप पर्सन कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम फॉलोइंग ग्रुप, ओ ए बी और ए बी। ओ ब्लड ग्रुप पर्सन कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम फॉलोइंग ग्रुप। तो ये ब्लड ग्रुप ओ होता है यूनिवर्सल डोनर, एंड ओ ग्रुप पर्सन कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ओनली ओ ग्रुप। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ब्लड ग्रुप ओ होता है यूनिवर्सल डोनर एंड ब्लड ग्रुप ए बी होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।